गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ संस्कृत। बच्चों, पिछले पीरियड में मैंने तुम लोगों को लट लकार समझाया। हम पार्ट एक कर रहे थे, मगर जब तक आप लोग लकार नहीं समझेंगे, जैसे कि मैंने पिछले पीरियड में बताया था, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लकार 3-10 प्रकार के होते हैं, मगर आपके सिलेबस में 3 ही हैं, लट लकार, ललित लकार, लंग लकार। तो मैंने लट लकार तुम्हें कल समझाया था। क्या समझाया था, एक बार रिवाइज करेंगे हम लट लकार। स तऊ ते सा ते ता तत् ते तानि, ती ते अंति ती तह अंति ती तह अंति। ठीक है, पुल्लिंग में आता है स तऊ ते, स्त्रीलिंग में आता है सा ते ता, और नपुंसक लिंग में आता है तत् ते तानि। अब हम, ये हो गया प्रथम पुरुष, उसी तरीके से मध्यम पुरुष समझाया था मैंने, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। तो स तौ ते सा ते ता तत् ते तानि, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इसको आपको अच्छे से रट लेना है लट लकार के लिए। लट लकार मतलब वर्तमान काल। उसके बाद हम आ गए लिरिट लकार में। लिरिट लकार क्या है, आप देख रहे हैं, लिरिट लकार में क्या लगता है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। ठीक है, क्या है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। अब जब हम इसमें धातु का जब हम प्रयोग करेंगे साथ में, धातु का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, इष्यति है, ई की जगह ई की मात्रा आ जाएगी और आगे धातु आ जाएगा पट। जैसे पट आ गया तो ई की जगह ई की मात्रा आ गई, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। हमने साथ में धातु लगा दिया है और धातु लगाने के साथ ही वो ई जो है वो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आया तुम लोगों को? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमने ये लिरिट लकार किया। लट लकार तुम्हें मैंने समझाया था, अब लिरिट लकार में प्रथम पुरुष कौन सा हुआ, पठिष्यति, अब पठ की जगह क्रीड भी हो सकता है, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्याव, क्रीडिष्याम। ठीक है, आपको ये भी मैंने बताया था, प्रथम पुरुष पुरुष किसके लिए होता है, तीसरे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए जिससे हम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम तीन व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, मैं जिससे मैं बात कर रही हूँ और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो कौन सा पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति, वो हो गया पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष जिससे मैं बात कर रही हूँ, दूसरा व्यक्ति, वो हो गया पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष, जैसे मैं जो बात करने वाला, बोलने वाला, वो हो गया पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। अब आप पठ की जगह कोई भी धातु इसमें प्रयोग कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे लंग लकार। लंग लकार कौन सा होता है, भूतकाल। अब भूतकाल को देखेंगे, अब इसमें क्या लगता है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब क्या है, ये लंग लकार हो गया, अपठत। अब इसमें हम लिखते हैं इजीली, हम कैसे याद कर सकते हैं इसको, पठ धातु है इसमें, अ और त लिख देंगे, बीच में हम स्पेस छोड़ देंगे तो वहाँ पर पठ आ जाएगा। इसी तरीके से अताम, अ न, फिर इधर नीचे देखेंगे अ के बाद खाली विसर्ग, फिर अ के बाद तम,
अ के बाद त, उसके बाद अ के बाद म, अ के बाद व और अ के बाद आम। इसमें हम बीच में पट लगाते जाएंगे। अगर हम इस तरीके से कहीं ईजी लगे तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप धातु को लेकर यूज़ करिए। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। इस प्रकार से हम लंग लकार करेंगे। जब तक बच्चों आप लोगों को ये टेबल्स नहीं लर्न होंगे तब तक हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। टेबल समझे हुए होंगे, लर्न होंगे तो आप एकदम से धातु का प्रयोग करके जान लेंगे कि इसमें कौन सा लग रहा है, कौन सा लकार है और हमें कैसे इसको कंप्लीट करना है। एक बार दोबारा से समझा रही हूँ, इन तीनों कालों लकार को समझ लो। लट लकार, सबसे पहले लट लकार है। लट लकार मैंने तुम्हें कल जैसे समझाया, लट लकार कौन सा है? स तौते, सा ते ता, तत्ते तानी, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। ठीक है, उसके बाद अब हम आए हैं लिरट लकार में। लिरट लकार है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामी, पठिष्यावः, पठिष्यामः। उसके बाद हम आ गए लंग लकार में, वो देखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब आपको कॉपीज़ में ये तीनों लकार लिखने हैं, तीनों लकार आपको कॉपी में लिखने हैं। पाठ एक डाल के, पाठ एक डाल के आपको तीनों। अब मैंने जो आप लोगों को पहले कहा था, जो पाठ का अनुवाद था, जो वार्तालाप थी, वो मैंने तुम्हें बोला था कि उसको तुम पेपर में पेस्ट करके, कल के होमवर्क में था तुम्हारे, पेपर में वो वार्तालाप सारा हिंदी अनुवाद लिखकर बुक में तुम्हें पेस्ट करना था। आज आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में अभी तक नहीं किया है आपने, कॉपी में सबसे पहले आपने वो करी थी बाल गीत, उसके बाद आप लोग अब कॉपी में प्रार्थना की है। अब आप लोग बाल गीत के बाद अब आप लोग ये करेंगे, सबसे पहले लट लकार का पूरा टेबल बनाएंगे। पूरे टेबल में, पूरा टेबल में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीनों पुरुष लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लिरट लकार का टेबल बनाएंगे और उसके बाद आप लोग लंग लकार का टेबल बनाएंगे। ये तीनों टेबल आपको बनाने हैं धातु लगाकर, जैसे पट धातु लगाया हुआ है, तीनों पठ ही धातु लगाकर बना लेना, तीनों में पट धातु लगाकर बना लेंगे इसको। ठीक है, इतना आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।